Now, question number 51, the vertebrates myelin is produced in the brain and spinal cord by dash and in rest of nervous system by. So that is a oligodendrocytes and Schwann cells. This one. Okay, this option is correct. Now move to the next one, question number 52. Read each of the following statements, assertion and reason. Okay, assertion and reason here. Algorithm is a logical rule that guarantees solving a particular problem. Okay, right. And reason. One can find the solution even to complex problems by following step-by-step procedure. So, both the statement is independently correct. But reason, it's not a correct explanation of assertion. So, ye aapka ho jayega. Second wala correct ho jayega. Okay. सेकंड कोड ठीक होगा. देखिए यहाँ पे आंसर रॉन्ग दिए हुए हैं, आप इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 53, पर्सनालिटी टेस्ट लिस्ट फर्स्ट में दिया, लिस्ट सेकंड में डायमेंशंस कवर्ड. ओके, सो ई पी क्यू आर एक्चुअली इट्स अ आई थिंक पर्सनालिटी क्वेश्चन. ओके, एंड इसके बाद में न्यू पी आई 3 है, टैट है एंड स्टाई है. तो ठीक है, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. इसमें ट्रिक नहीं काम करेगी आपकी, अगर आपको आता है तभी आप इसे कर पाएंगे, वरना आप इसे नहीं कर पाएंगे. सो ई पी क्यू आर इट्स जस्ट साइकोटिसिज्म. ओके, एंड जस्ट न्यू पाई 3 इज मैच विद ओपननेस टू एक्सपीरियंस. ओके, दिस वन. एंड देन टैट जस्ट need for power, this one. And stai is just related with that state, anxiety is a state, this one. Okay, so a match with aapka ho jayega option second. A goes with second and B goes with fourth and C goes with first and D goes with third, so that is correct. Okay, so now move on to the next one. Question number 54. The basic speech sounds are called phonemes and the meaningful smallest units of speech are called morphemes. So code 4. Ye ho jayega, the basic speech sounds are called as phonemes and smallest units of speech are called as morphemes. So that is correct. Which of the following concepts are not found in Freudian psychoanalysis? Okay, so not found in Freudian psychoanalysis पूछ रहा है. तो पहले Freudian में देखिए unconscious motivation and instinct, ये दोनों ही Freudian के ही हैं, given by Freudian, that is also given by Freudian. ठीक है, and collective consciousness and Adler का है, सॉरी कलेक्टिव अनकॉन्शियस आपका हो जाएगा जंग का, एंड स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी एल्डर. सो स्ट्राइविंग सुपीरियरिटी इज एल्डर एंड दैट इज गिवन बाय जंग. ओके, सो ये हो जाएगा आपका बी एंड सी. नॉट फाउंड इन फ्रीडियन में कौन सा हुआ, कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो कि जंग ने दी है, और स्ट्राइविंग ऑफ सुपीरियरिटी एल्डर की. तो बी एंड सी. ओके, सो कोड 2 आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. टेस्ट ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी आर टर्म्ड एज एक्सप्लिसिट मेमोरी टेस्ट, वेयर एज टेस्ट ऑफ नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी आर टर्म्ड एज इम्प्लिसिट मेमोरी. ओके, सो एक्सप्लिसिट मेमोरी हो जाएगा आपका, एक्सप्लिसिट होता है स्पष्ट मेमोरी जो होता है, क्लियर, एंड इम्प्लिसिट जो होता है अंतर्निहित इंटरनल वाला. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ठीक है, टेस्ट ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी जो कहेंगे वो एक्सप्लिसिट कहेंगे, स्पष्ट होता है स्पष्ट मेमोरी कहते हैं इसको एक्सप्लिसिट को, और नॉन डिक्लेरेटिव वाली हो जाएगी इम्प्लिसिट जो कि इंटरनल वाली होती है. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 57. विच मेथड इज यूज्ड फॉर मेमोराइजिंग अ पोएम. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस. क्वेश्चन नंबर 58 मेक्स न्यूरॉन्स स्टैंड आउट विजिबली डिपिक्टिंग विच न्यूरॉन्स आर एक्टिव, वेयर एज डैश यूजेस एंटीबॉडीज अटैच टू अ डाई टू आइडेंटिफाई सेलुलर कंपोनेंट्स सच एज रिसेप्टर्स न्यूरोट्रांसमीटर और एंजाइम्स. ओके, सो ये हो जाएगा आपका इम्यूनो साइटोकेमिस्ट्री. ठीक है, दिस वन, एंड ऑटो रेडियोग्राफी.
देखिए इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री मेक्स न्यूरॉन स्टैंड आउट विजिबली डिपिक्टिंग विच न्यूरॉन्स आर एक्टिव, ठीक है. वेयर एज ऑटो रेडियोग्राफी यूजेज एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज अटैच टू डाई आइडेंटिफाई सेल्यूलर कॉम्पोनेंट. ठीक, तो इस तरीके से आप इसे अगर पढ़ चुके हैं तभी सॉल्व करिए. ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. देखिए अगेन इसका गलत दिया हुआ है, ये इसे मत देखिएगा. मैंने आपको बताया इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री और ऑटो रेडियोग्राफी, यही करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 59 ओवर हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेडिक्टर्स ऑफ गुड प्रोग्नोसिस इन शिज़ोफ्रेनिया. तो इसका हो जाएगा आपका, एक तो हो जाएगा पॉजिटिव सिम्टम्स, लेट ऑनसेट, ओके, एंड एक्यूट ऑनसेट. ये करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा एंड एक्यूट ऑनसेट. दिस वन इज रॉन्ग. तो ए बी सी इज करेक्ट एंड डी इज इनकरेक्ट. कोड फर्स्ट इज करेक्ट. देखिए फिर यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको काट देते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 60, द बॉडीज रिस्पॉन्स टू डेंजर इज ट्रिगर्ड बाय द रिलीज ऑफ, देखिए एपिनेफ्रिन एंड नॉरपिनेफ्रिन, ठीक है, बाय द एड्रेनल ग्लैंड्स. ये इसका करेक्ट है. द बॉडीज रिस्पॉन्स करती है किसी डेंजर ट्रिगर्ड में, जैसे किसी डेंजर में होते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है. तो बाय द रिलीज ऑफ, क्या रिलीज होता है हमारी बॉडी के अंदर, एपिनेफ्रिन एंड नॉरपिनेफ्रिन, किस ग्लैंड से होता है, बाय द एड्रेनल ग्लैंड. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड स्टूडेंट्स. ठीक है, दे सी एबिलिटी एज इम्प्रूवल, दे फील कॉम्पिटेंट वैन दे सक्सीड, दे फील वर्थलेस वैन दे फेल. तो मास्टरी ओरिएंटेड स्टूडेंट जो होते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे फील कॉम्पिटेंट वैन दे सक्सीड. दिस इज ओके, ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है. ये नहीं, आप इसे नहीं देखेंगे, आपको केवल वही देखना है जो मैं बता रही हूँ. ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है, दे फील कॉम्पिटेंट वैन दे सक्सीड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, अ चाइल्ड कॉग्निटिव ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस टू इंटरनल थॉट्स अकर्स इन 4 स्टेजेस. व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस ट्रांजिशन, नेव स्टेज, नेचुरल प्रिमिटिव स्टेज, ईगो सेंट्रिक स्टेज एंड इन ग्रोथ स्टेज. ठीक है, नाउ सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, और ये बिल्कुल करेक्ट क्रोनोलॉजी दी हुई है इसकी, बिल्कुल करेक्ट क्रोनोलॉजी है. सबसे पहला होता है आपका नेव स्टेज, देन होता है नेचुरल और प्रिमिटिव स्टेज. वन मिनट, सबसे पहले हो जाएगा आपका नेचुरल स्टेज, दिस वन फर्स्ट, देन हो जाएगा आपका नेव स्टेज हो जाएगा, ओके, एंड फिर हो जाएगा ईगो सेंट्रिक, देन हो जाएगा इनग्रोथ. आप सही है, यस. थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था नेचुरल एंड नेव में. तो नेचुरल सबसे पहले आएगा आपका, दिस वन, उसके बाद में आएगा नेव, देन ईगो सेंट्रिक, देन इनग्रोथ. ओके, सो नाउ बी ए सी डी, यस, दिस वन, कोड 2 इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 63, इसमें देखिए साइकोलॉजिस्ट दिए, उनके कंसेप्ट पूछे हुए हैं. ओके, सो अगर इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है. हमें सबसे पहले क्लिक करेगा प्याजे, ठीक है, प्याजे ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था कंजर्वेशन का. ओके, सो देखते हैं एलिमिनेशन मेथड लगता है या नहीं. डी का फर्स्ट, देखिए डी का फर्स्ट तो 3-3 बार आ गया, बट हमारा थर्ड वाला गलत हो गया. अब ठीक है, हम लोग एक ऑप्शन और इसमें देख लेते हैं तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं ब्रूनर का जो है आपका वो है आइकॉनिक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ब्रूनर किससे मैच करते हैं, आइकॉनिक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट जो दिया था वो ब्रूनर ने दिया था. सो देख लेते हैं ए का सेकंड. देखिए अभी आपका ए का सेकंड हुआ तो ये 2 तो हट चुकी है, हमारे पास में रह गए 2. ओके, बी का थर्ड है, अब रह गया हमारे पास में जो कंसेप्चुअल वो सी का रह गया. ओके, तो स्टर्नबर्ग का देख लेते हैं. सी का होगा आपका कॉम्पोनेंशियल एनालिसिस, लेकिन इसके अंदर आपको 3 का या 2 का इस तरीके से पता होना ही चाहिए था. लेकिन ये कंसेप्ट्स तो आपके अभी तक क्लियर हो चुके होंगे आई थिंक. अगर नहीं हुए तो आप इसे लर्न कर लीजिएगा, हो जाएगा प्रीवियस ईयर से. ओके, सो स्टर्नबर्ग का हो जाएगा कॉम्पोनेंशियल, प्याजे का हो जाएगा आपका कंजर्वेशन, ब्रूनर का हो गया आइकॉनिक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो विगोस्की का हो जाएगा स्कैफोल्डिंग. ओके, बी का हो जाएगा आपका थर्ड वन. ठीक है, ब्रूनर का हो जाएगा, देखिए एक बार और देख लीजिए, ब्रूनर का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका
आइकॉनिक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में विगोत्स्की का हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, जो कंसेप्ट दिया है विगोत्स्की ने वो दिया है स्कैफोल्डिंग पर। स्टर्नबर्ग का दिया हुआ है कंपोनेंशियल एनालिसिस एंड पियाजेट का दिया हुआ है कंजर्वेशन। ठीक है, आई थिंक आप अगर इसे भी रिवाइज करते हैं तो आपको 2 या 3 बार में लर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आर एड्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी। तो पर्सनालिटी साइकोलॉजी के अंदर देखते हैं इश्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज जो है वो एंड एड्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी में किसे किया गया है। तो हम इसमें देख लेते हैं, देखिए ह्यूमन एंड यूनिवर्सल्स का तो कोई मतलब है ही नहीं अभी तक आपने पढ़ा होगा, तो आपने ये कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसके बाद में आएगा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड यूनिकनेस, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इसमें नहीं आएगा, इश्यूज़ के अंदर तो एटलीस्ट नहीं आएगा। पर्सनालिटी साइकोलॉजी द फील्ड के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं इश्यूज़ जो एड्रेस करे गए हैं, ठीक है, पर्सनालिटी साइकोलॉजी के अंदर, तो वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड यूनिकनेस, इसके बारे में। तो बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, साइकोलॉजिस्ट ओके एंड कंसेप्ट। अगेन इसके अंदर साइकोलॉजिस्ट एंड कंसेप्ट है, तो हम बात करते हैं, मैच करते हैं लिस्ट को। थॉर्नडाइक है, पावलोव है, वर्थीमर एंड सेलिगमैन है। ठीक है, अगर आपको इसमें से किसी के बारे में पता है तो आप पहले एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके देखिए विदाउट एनी हेजिटेशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक का जो है वो है न्यूरल बॉन्ड, थॉर्नडाइक मैच विद न्यूरल बॉन्ड। चलिए देख लेते हैं, ए का थर्ड देखिए बिल्कुल काम कर रहा है, देखिए ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर हो गया आपका 2 करेक्ट, दिस वन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ए का जो है थॉर्नडाइक का न्यूरल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखिए इतना टाइम हमारा सेव हो रहा है इसमें करने से, तो चलिए अब हम पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। पेवलोव का जो हो जाएगा आपका, पेवलोव का हो जाएगा कॉर्टिकल मोज़ेक, एंड इसके बाद हम वर्थीमर, देखिए पेवलोव का हो जाएगा कॉर्टिकल मोज़ेक एंड वर्थीमर का हो जाएगा आइसोमॉर्फिज्म, वर्थीमर का हो जाएगा आइसोमॉर्फिज्म एंड सेलिगमैन का हो जाएगा आपका इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल प्रीमाइस एंड थॉर्नडाइक का हम लोग पहले कर चुके थे न्यूरल बॉन्ड। तो फिर से मैं बता दूँ आपको जैसे आपको लर्न हो जाए, थॉर्नडाइक ने जो कंसेप्ट दिया है, थॉर्नडाइक कौन है, साइकोलॉजिस्ट है, थॉर्नडाइक ने जो दिया है वो न्यूरल बॉन्ड कंसेप्ट दिया है, पावलोव ने कॉर्टिकल मोज़ेक दिया है, वर्थीमर ने आइसोमॉर्फिज्म दिया है कंसेप्ट, एंड सेलिगमैन का कंसेप्ट जो है वो है इक्विपोटेंशियलिटी प्रीमाइस। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd, कोड 3rd करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, इन केस ऑफ विजुअल स्टिमुलस वी आर पाथवेज इन द ब्रेन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, एंड दैट इज अ वी आर पाथवे। तो वी आर पाथवे में अगर हम बात करें तो लोकेशन, लोकेशन करेक्ट, कलर नहीं आएगा, लोकेशन के बाद में मोशन आएगा आपका, लोकेशन मोशन करेक्ट, शेप नहीं आएगा, लोकेशन मोशन, 2 पाथवेज। ओके, डोर्सल स्ट्रीम का है ये, तो आपका ए एंड सी कोड 4 करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये डोर जो इसके अंदर हमने बात करी है डोर्सल स्ट्रीम की बात करी थी क्वेश्चन नंबर 66 में, इस इन जो इन्वॉल्व करता है स्पेशल अवेयरनेस एंड गाइडेंस ऑफ एक्शन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिस्क्राइब्स द क्रैनियल नर्व्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्रैनियल नर्व्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपका ऑप्टिक, ठीक है, फिर हो जाएगा ट्रॉकलियर, इसके बाद हो जाएगा एब्ड्यूसेंस, उसके बाद आएगा आपका ऑडिटरी, वेस्टिबुलर एंड वेगस। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट वन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्टिक हो जाएगा, ट्रॉकलियर, एब्ड्यूसेंस, ऑडिटरी, वेस्टिबुलर एंड वेगस। ठीक है, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, मैनी साइकोलॉजिस्ट प्लेड अ पिवोटल रोल इन एमरजेंस ऑफ द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो अब इसके अंदर हम लोग एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को चेक करेंगे, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हमें देखना है इसके अंदर। तो ये हो जाएगा आपका विलियम मैकडगल, दिस वन, फिर एफ ऑलपोर्ट आए, फिर कॉट लेविन, फिर मुजफ्फर शरीफ। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 69, किनशिप सिलेक्शन थ्योरी सजेस्ट
that we help others who are related to us, because this increase the likelihood that our death shall be death to future. Okay, so that is genes transmitted generation, this one. Okay, the likelihood that our genes transmitted generation to future generation, that our genes shall be transmitted to future generation. Okay, so code third is correct. Now move to the question number 17. Assertion reason again. Assertion में आएगा आपका results of experimental studies of bilateral lesion effects are considered more promising than those of unilateral lesion. ठीक है. And reason, behavior effects of bilateral lesions are milder than those of unilateral lesions. तो इसके अंदर हमारा जो assertion है वो तो correct है, but reason इसके अंदर false हो जाएगा. ठीक है. रीज़न बिहेवियर इफेक्ट जो कर रहा है बाइलेटरल लेसन आर माइल्डर देन दोज ऑफ यूनिलैटरल लेसन, तो ये नहीं होगा. एजर्शन करेक्ट हो जाएगा. रिजल्ट्स ऑफ जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज बाइलेटरल लेसन इफेक्ट्स आर कंसीडर्ड मोर प्रॉमिसिंग देन दोज ऑफ यूनिलैटरल लेसन. ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. इसका थर्ड है ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर आगे ये वाला रॉन्ग दिया हुआ आंसर. क्वेश्चन नंबर 71. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस इन ट्रायर्किक थ्योरी. तो ट्रायर्किक थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए डायमेंशनल तो नहीं होगा, कॉम्पोनेंशियल होगा, कॉन्टेक्चुअल होगा, एक्सपेरिमेंटल होगा. इंटेलिजेंस की ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में बात कर रही है, तो इसके अंदर आपके ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे और ये इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 72. ये देखिए, इसमें हम लोगों ने बी सी डी करेक्ट किया है, बी सी डी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 इज नेक्स्ट वन. इन अ सिंगल फैक्टर रिपीटेड मेजर्स डिजाइन द एफ रेशियो इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, इज इवेल्युएटेड. तो इसका इवेल्युएशन देख लेते हैं हम लोग. थ्योरी का मतलब फॉर्मूले का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये. तो आपको जाएगा एम एस ट्रीटमेंट, ओके, बाय एम एस सब्जेक्ट. तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा. इसका ही इनकरेक्ट है, जो मैंने आपको बताया वो करेक्ट है. सो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73. इसमें फिर से देखिए मैच लिस्टिंग है, लीडरशिप स्टाइल है और डिस्क्रिप्शन है. तो हम देख लेते हैं टास्क मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, इम्प्रूविस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्री क्लब मैनेजमेंट. तो हम इसमें देख लेते हैं हमारा ट्रिक काम करता है या नहीं. इम्प्रूविस्ट की अगर हम बात करें तो इम्प्रूविस्ट क्या होगा, तो इम्प्रूव करने के लिए हमें लेस फोकस करना पड़ेगा दोनों पे, फोकस और प्रोडक्शन. ठीक है, तो इम्प्रूविस्ट किससे मैच करेगा आपका, जो सी है वो आपका फर्स्ट से मैच करेगा. ठीक है, अब देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड वर्क करता है यानी सी मैच विद फर्स्ट. यस, देखिए दो तो यहाँ एलिमिनेट हो गए. ठीक है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए, बचा क्या हमारे पास में, ये वाला और ये वाला. अब डी का देख लेते हैं सेकंड है या थर्ड है, उससे हमें आइडिया हो जाएगा. सो ठीक है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट है या फिर आप टीम मैनेजमेंट भी देख सकते हैं. ठीक है, तो अगर हम कंट्री क्लब मैनेजमेंट की बात करें तो कंट्री क्लब मैनेजमेंट जो है आपका हो जाएगा लेस फोकस ऑन प्रोडक्शन बट मोर ऑन वर्कर. ठीक है, तो ये हो जाएगा कंट्री क्लब, लेस फोकस ऑन प्रोडक्शन मोर ऑन वर्कर. ठीक, तो डी का थर्ड हो जाएगा आपका. देख लीजिए, ये दो तो हम पहले काट चुके थे, तो डी का थर्ड तो फोर्थ वन करेक्ट हो जाएगा. इस तरीके से भी कर सकते हैं और चलिए डायरेक्ट भी देख लेते हैं हम. सो सबसे पहले हम बात करते हैं टास्क मैनेजमेंट की. तो टास्क मैनेजमेंट क्या होगा, सो टास्क मैनेजमेंट मैच करेगा मोर फोकस ऑन प्रोडक्शन बट लेस ऑन वर्कर, क्योंकि हम टास्क की बात कर रहे हैं. तो टास्क किससे होगा मैच, इससे. ओके, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा जो टास्क पे ध्यान रहेगा, फोकस हमारा टास्क पर रहेगा, तो प्रोडक्शन के ऊपर रहेगा, वर्कर्स पे नहीं रहेगा. उसके बाद में हम बात करते हैं टीम मैनेजमेंट की. तो टीम मैनेजमेंट बात करेगी मोर फोकस ऑन बोथ प्रोडक्शन एंड वर्कर्स, क्योंकि टीम मैनेज किस लिए कर रहे हैं, हम अपना काम कराने के लिए कर रहे हैं. तो
तो ये इससे मैच करेगा। इम्प्रूविस्ट का हमने बता दिया था, दोनों के ऊपर ही काम करेगा क्योंकि हमें वर्कर और प्रोडक्शन दोनों के ऊपर ही वर्क करना पड़ेगा, फोकस कम करना पड़ेगा, उनको इम्प्रूव करने में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उनके प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए करते हैं तो अभी हम उसे इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, और अगर हम टीम के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालते हैं तो भी हम उन्हें इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो इम्प्रूव हम कब कर पाएंगे, जब उन्हें थोड़ा सा लेज़र देंगे, उन्हें थोड़ा सा मतलब उनके ऊपर टारगेट का प्रेशर कम कर देंगे, तभी हम उन्हें इम्प्रूव कर पाएंगे उनके वर्क को। तो दोनों के ऊपर हमारा फोकस जो है वो कम रहेगा। कंट्री क्लब में हमारा लेस फोकस ऑन प्रोडक्शन बट मोर ऑन वर्क, ठीक है। तो इम्प्रूविश सी आपका मैच करेगा फर्स्ट, सॉरी सी आपका मैच करेगा फर्स्ट के साथ में, लेस फोकस ऑन बोथ प्रोडक्शन एंड वर्कर्स, लेस फोकस, तो लेस फोकस हो जाएगा किस पे, दोनों के ऊपर। तो ये हो गया इसका, और टीम मैनेजमेंट आपको बता ही दिया, टास्क मैनेजमेंट भी क्लियर हो गया और कंट्री क्लब भी क्लियर हो गया। तो चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74, assertion and reason again here. Behavior therapy helps people to respond to life situation the way they would like to respond. Correct statement है, assertion तो correct हो गया इसका। Reason, positive therapeutic relationship is necessary but not sufficient condition for effective behavior therapy. Both the statement is independently correct. ठीक है, बिहेवियर भी इसके अंदर काफ़ी टाइम पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो ये भी आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। देखिए बोथ स्टेटमेंट करेक्ट बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है assertion की रीज़न। 75 क्वेश्चन नंबर 75, डिसेंट्रेशन एंड रिवर्सिबल थॉट्स प्रोसेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। तो अगर हम बात करें इसके अंदर 75 में, तो ये बात कर रहा है डिसेंट्रेशन एंड रिवर्सिबल थॉट की, ठीक है। प्रोसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज का, यानी डिसेंट्रेशन एंड रिवर्सिबल थॉट प्रोसेस किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये है कॉन्क्रीट एंड ऑपरेशनल का। कॉन्क्रीट एंड ऑपरेशनल का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि किसी चीज़ का डिसेंट्रेशन एंड रिवर्सिबल थॉट है, ठीक है। डिसेंट्रेशन रिवर्सिबल थॉट प्रोसेसेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्क्रीट एंड ऑपरेशनल, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द अगेन मैच लिस्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन। तो कंसेप्ट देख लेते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, विजुअल स्पेशल स्केचपैड, एपिसोडिक बफर एंड फोनोलॉजिकल। सबसे पहले जो इजी सा मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है विजुअल स्पेशल स्केचपैड, विजुअल स्पेशल वीडियो गेम्स जिक्सो, यस दिस वन हेल्प्स अस इन प्लेइंग क्या, वीडियो गेम्स जिक्सो एंड पजल्स। तो ये हो गया विजुअल स्पेशल स्केचपैड। उसके बाद में हम देख लेते हैं हमारी ट्रिक काम कर रही है या नहीं, तभी मैच करेंगे। बी का तो फर्स्ट हो गया, यस ट्रिक इज़ वर्किंग। देखिए ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी हो गया, तो ले रह गया आपका ऑप्शन नंबर 2। तो हम देख लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। अब देखिए अब इसके अंदर हमें सभी को मैच करना है, तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव किससे मैच करेगा, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मैच कर रहा है आपका हेल्प अस डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या कर रहा है, वो हेल्प अस टू डिसाइड, हमें हेल्प कर रहा है डिसाइड करना है व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड व्हाट नॉट टू डू, यानी हम क्या करें और क्या ना करें। तो ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कर रहा है। विजुअल स्केच पैड आपको बता ही दिया था, वीडियो गेम्स जिक्सो एंड पजल्स एटसेट्रा। एपिसोडिक बफर क्या होगा, एपिसोडिक बफर तो आपका एपिसोडिक बफर हेल्प्स अस इन सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स एंड प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज़। क्या करेगा एपिसोडिक बफर, हेल्प करेगा हमें सॉल्व करने में न्यू प्रॉब्लम्स को एंड प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज़ को, ठीक है। इसके बाद में आपका रह जाएगा फोनोलॉजिकल लूप, फोनोलॉजिकल लूप होगा, तो फोनोलॉजिकल लूप मैच करेगा हेल्प अस इन रीडिंग एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फोनोलॉजिकल लूप्स क्या करेगा, हेल्प अस इन रीडिंग एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। तो फोनोलॉजिकल लूप आपको लर्न करना है, हेल्प अस इन रीडिंग एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एपिसोडिक बफर क्या करेगा आपको, एपिसोडिक बफर आपको हेल्प करेगा आपकी मतलब सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम्स एंड प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज़ में। विजुअल स्केच पैड आपको जिक्सो पजल्स इन सब में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हम प्ले करते हैं वीडियो गेम्स को, जिक्सो को, पजल्स को, तो उसमें हेल्प करेगा आपका। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आपको हेल्प करेगा किस चीज़ में, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आपको हेल्प करेगा डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट और व्हाट नॉट टू डू। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये थे आपके कंसेप्ट और उसका एक्सप्लेनेशन, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन थे ये इसके, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। इसका देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा, गलत मत करिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, क्योंकि कई बार नीचे गलत भी दिए हुए हैं।
तो इस पे आपको डिपेंड नहीं रहना है, जो मैं बता रही हूँ उसे देखना है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 77, एसर्शन एंड रीजन हियर। वर्किंग मेमोरी इज लाइक अ वर्क बेंच वेयर मटेरियल इज कॉन्स्टेंटली बींग हैंडल्ड कम्बाइंड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, वर्किंग मेमोरी इज लाइक अ वर्क बेंच वेयर मटेरियल जो है कॉन्स्टेंटली बींग हैंडल्ड होता है, कम्बाइंड एंड ट्रांसफॉर्म होता है। रीजन एक्सप्लेनेशन दे रहा है उस स्टेटमेंट की यानी एजर्शन की। बोथ न्यू मटेरियल एंड ओल्ड मटेरियल रिट्रीव्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी आर हेल्ड इन वर्किंग मेमोरी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ये जो गिवन है रीजन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसकी, इसकी। तो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला कोड आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला था वर्किंग मेमोरी जो है वो वर्क बेंच है जहाँ पे ये मटेरियल क्या करता है कॉन्स्टेंटली बिंग हैंडल होता है, कंबाइंड होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया है बोथ न्यू मटेरियल या ओल्ड मटेरियल, यानी उसको यही एक्सप्लेन कर रहा है आगे, यानी न्यू मटेरियल ओल्ड मटेरियल जो है रिट्रीव फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी आर हेल्ड इन वर्किंग बेंच वर्किंग मेमोरी। तो ये दोनों ही सही हैं, ओके, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए अगेन यहाँ पर मत देखिएगा, ये गलत है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। सो 78 को जल्दी से कर लेते हैं। एजर्शन ए गैल्टन डेवलप्ड एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, साइकोमेट्रिक रीजन है, साइकोमेट्रिक टेस्ट वर लो इन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए गैल्टन डेवलप एंथ्रोपोमेट्रिक टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये तो करेक्ट है, बट इसके अंदर जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है। दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, क्योंकि साइकोमेट्रिक जो है, साइकोमेट्रिक टेस्ट आर स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक मेथड, ठीक है, टू मेजर इंडिविजुअल मेंटल कैपेबिलिटीज एंड बिहेवियरल स्टाइल। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट जो डिज़ाइन किए गए हैं कैंडिडेट सूटेबिलिटी फॉर रोल बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्टीट्यूड और कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो ये वाला जो आपका लो इन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ए ट्रू हो जाएगा एंड रीजन फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन एजर्शन है इसमें, प्रोप्रायोसेप्टिव स्टिमुली रिजल्ट फ्रॉम द फायरिंग ऑफ द कैनेस्थेटिक रिसेप्टर्स इन द मसल्स जॉइंट्स एंड टेंडन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सही है, इट्स करेक्ट। A response is conditioned to the stimuli present prior to the injection of primary reinforcer. यानी कि response जो है conditioned to the stimuli present है prior to the injection of primary reinforcer. ये correct है, but reason इस assertion का correct explanation नहीं है। दोनों ही statement independently correct है, तो ये सही हो जाएगा आपका। Move to the next question number 80. Activation of anterior portion of both hemisphere is associated with the डैश ऑफ इमोशंस वाइल एक्टिवेशन ऑफ द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द हेमिस्फेयर इज एसोसिएटेड विद। ठीक है, तो दैट इज वैलेंस एंड अराउजल। ओके, सो वैलेंस एंड अराउजल ऑप्शन इज करेक्ट हियर, वैलेंस एंड अराउजल। सो एक्टिवेशन ऑफ एंटीरियर पोर्शन ऑफ बोथ हेमिस्फेयर इज एसोसिएटेड विद द वैलेंस। ठीक है, वैलेंस एंड of emotions while activation of the posterior portions of the hemisphere is associated with arousal. Okay, that is arousal. So option number 2 is correct over here. Now move to the next question number 81. Signal detection theory identifies two distinct processes in sensory detection. यानी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी आइडेंटिफाई करता है टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस इन सेंसरी डिटेक्शन। तो इसका हो जाएगा आपका, एक तो सेंसरी प्रोसेस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा डिसीजन प्रोसेस। सेंसरी प्रोसेस एंड डिसीजन प्रोसेस जो है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी आइडेंटिफाई करता है टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस को। ठीक है, किस में, सेंसरी डिटेक्शन में। तो कौन कौन से प्रोसेस हो जाएंगे, दैट इज सेंसरी प्रोसेस एंड डिसीजन प्रोसेस, ए एंड बी। A and B code is correct. Yes. Now move to the next question, 82. Question number 82. Again, assertion and reason. Lots of question asking assertion and reason at the time of previous year question. So please solve the 10 years because it will give you a good grasp. Okay. And it will save your time at the time of exam hall. Assertion is visual, simple reaction time is more than auditory, simple reaction time. Okay,
And reason is visual system involves more complex photochemical processes. So both are correct and reason also the correct explanation of assertion. Yani visual simple reaction time जो होता है वो मोर होता है ऑडिटरी सिंपल रिएक्शन टाइम से. ठीक है, क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हम जब देखते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और सुनने में हमारा जो टाइम है रिएक्शन टाइम जो होता है वो कम होता है, क्योंकि विजुअल का हमारे पास में जो मतलब फोटोकेमिकल विजुअल सिस्टम जो होता है. देखिए मैं बताऊँ आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्योंकि विजुअल सिस्टम इन्वॉल्व किस में है, मोर कॉम्प्लेक्स फोटोकेमिकल प्रोसेस में. ठीक है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, फिर हमारे पास वो जाता है सिग्नल, देन हम उस चीज़ को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, देन हम रिएक्ट कर पाते हैं. बट ऑडिटरी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता. ऑडिटरी में हम डायरेक्ट सुनते हैं और उसके बाद में हम लोग रिएक्शन दे देते हैं. तो हमारा जो स्लाइटली टाइम है रिएक्ट करने का वो किस में कम हो जाएगा? वो आपका ऑडिटरी में कम हो जाएगा और विजुअल में ज़्यादा हो जाएगा. सपोज इसी को नेक्स्ट ईयर या 1 or 2 years आफ्टर या हो सकता है 2020 में अगेन ये पूछ लिया जाए इसे कुछ घुमा करके, तो आप इसे कर पाएंगे. तो इसलिए इसे देखने के साथ में आपको इसे केवल रेटाफाई नहीं करना, थोड़ा समझना भी है. जैसे कि अगर विजुअल सिंपल रिएक्शन टाइम की जगह अगर ऑडिटरी रख दिया तो आप इसे देखते ही ऐसा नहीं है कि पहले की तरह ही कर लें. तो अगर आप इसे थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लेंगे तो कहीं भी आएगा, मैचिंग में भी आ सकता है, तो मैच लिस्टिंग वाले में भी आप इसे ईजिली कर पाएंगे. दिस इज बिकॉज मैं इसको आपको समझा करके सॉल्व कर रही हूँ, वरना ये तो बहुत जल्दी भी हो सकता था. लेकिन मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके अंदर क्या चीज़ और ऐड ऑन करवानी है, तो मैं कोशिश करूँगी उसे भी करने की. ठीक है, सो इसके अंदर आपको हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजम्पशन, सो दिस वन इज करेक्ट. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83. क्रिएटिव थिंकिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रिस्पेक्ट ऑफ. ठीक है, सो क्रिएटिव थिंकिंग इसके अंदर दी हुई है. क्रिएटिव थिंकिंग इज़ डिफरेंट होती है फ्रॉम रूटीन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन रेस्पेक्ट ऑफ. किसके रेस्पेक्ट में क्रिएटिव थिंकिंग अलग होती है, रेगुलर प्रॉब्लम से या रूटीन प्रॉब्लम से? तो वो होती है फ्लुएंसी. फर्स्ट इज फ्लुएंसी, देन फ्लेक्सीबिलिटी, देन ओरिजिनैलिटी. ठीक है, डे ड्रीमिंग का यहाँ कोई काम नहीं है. सो ए बी सी कोड 4 जो है आपका वो सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 84. द बैचलर टाइप डेविएशन IQ, ठीक है, ऑफ 115 कॉरस्पॉन्ड्स टू विच वैल्यू ऑफ परसेंटाइल रैंक. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा परसेंटाइल रैंक में 68. दिस वन ये आपका गलत हो जाएगा. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85. लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड टर्म एंड डिस्क्रिप्शन. सो टर्म पढ़ लेते हैं हम. सबसे पहले मैच लिस्टिंग है, कन्फॉर्मिटी, कंप्लाइंस, सोशल नॉर्म्स एंड इंटेंस इंडोक्ट्रिनाइजेशन. सॉरी, सो कन्फॉर्मिटी. अब इसमें हम देख लेते हैं हमें कौन सा इजीली मिल रहा है. तो सोशल नॉर्म्स देखते हैं सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है. सो सोशल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स हो जाएगा आपका मैच करेगा सोशल इन्फ्लुएंस. सोशल इन्फ्लुएंस वेयर इन इंडिविजुअल्स चेंज एटीट्यूड टू गो अलोंग विद द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स. ठीक है, सो ये मैच इससे कर रहे हैं. हम देखते हैं सी का थर्ड एलिमिनेशन मेथड काम करता है या नहीं. यस इट्स वर्किंग. सी का थर्ड है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा. ये तीनों एलिमिनेट कर दें अगर हम तो बचता है ये वाला, क्योंकि इसी में आपको सी का मैच विद थर्ड दिख रहा है. तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा. देखिए सोशल नॉर्म्स मैच हो जाएगा आपका इससे. वन मिनट. यस, सो सोशल नॉर्म्स आपका मैच हो जाएगा इसके साथ में. कन्फॉर्मिटी अगर हम देखें तो कन्फॉर्मिटी हो जाएगा रूल्स इंडिकेटिंग हाउ इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन. ये कन्फॉर्मिटी है. ठीक है, क्योंकि रूल्स जो इंडिकेट करते हैं हाउ इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन ए स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब वही कन्फर्मिटी है. एंड कॉम्प्लाइंस अगर हम देखते हैं तो कॉम्प्लाइंस होगा सोशल इन्फ्लुएंस इन्वॉल्विंग डायरेक्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर. एंड इंटेंस हो जाएगा प्रोसेस इन विच मेम्बर्स ऑफ एक्सट्रीम ग्रुप एक्सेप्ट द बिलीव्स एंड रूल्स इन अनक्वेश्चनिंग वे. तो ये हो जाएगा इंटेंस इंडोक्ट्रिनाइजेशन प्रोसेस, जिसमें कि मेंबर्स एक्सट्रीम ग्रुप के हैं, एक्सेप्ट करते हैं बिलीफ एंड रूल्स को अनक्वेश्चनिंग वे. ओके, तो ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट मैचिंग है, ये वाला आपका करेक्ट है बिल्कुल. अब देखिए कितना टाइम हमारा सेव हो जाता है अगर हम लोग इस तरीके से पहले एलिमिनेट करके निकाल लें तो. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 86. स्पेशल प्रोसेसेस और प्रोसेसिंग ऑफ लोकेशन रिलाइज ऑन. ठीक है, तो अब ये देखिए फिर से आपका क्वेश्चन. अभी एक पहले भी हम लोग कर चुके थे डॉर्सल पाथवे वाला, वेयर पाथवे वाला, जिसमें टू पाथवे की बात हुई थी.
यहाँ पे अगेन देखिए स्पेशल प्रोसेसिंग पूछी है, लोकेशन रिलाइज ऑन, तो लोकेशन एंड उसका था वहाँ पे, ठीक है, मोशन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं। तो ये डोर्सल पथवे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, इसका हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 87, एजर्शन रीजन अगेन, जेंसन हैज पुट फॉरवर्ड रिग्रेशन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ हिज थियोरी। ओके राइट, जेंसन हैज पुट फॉरवर्ड रिग्रेशन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ हिज थियोरी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। वन मिनट, यस। रीजन है चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स हैविंग वेरी हाई इंटेलिजेंस लेवल्स विल हैव बिलो एवरेज इंटेलिजेंस स्कोर्स, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। A is true but R is false. Now move to the question number 88. Handling feelings appropriately, ability to soothe oneself and ability to shake off rampant anxiety are the characteristics of which of the components of emotional intelligence are proposed by Goleman. ठीक है, तो question number 88 के अंदर हम देखें तो managing emotions इसका correct option होगा, managing emotion, ठीक है, बिकॉज हैंडलिंग फीलिंग्स की बात हो रही है, अप्रोप्रिएटली एबिलिटी टू सूद वन सेल्फ एंड एबिलिटी टू शेक ऑफ रैम्पेंट एंजाइटी आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आर प्रपोज बाय गोलमैन, तो गोलमैन मैनेजिंग इमोशंस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 89, अगेन DSM-5 क्वेश्चन, जो कि हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया था। दिस इज हाउ इम्पॉर्टेंट सम पार्ट्स ऑफ द साइकोलॉजी, तो आप इस तरीके से भी आपकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दैट्स बिकॉज आई एम सेइंग प्रीवियस ईयर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू डिसऑर्डर्स, ठीक है, इसमें न्यू डिसऑर्डर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन DSM-5, ये मैं बात कर रहा है कि किस न्यू डिसऑर्डर को DSM-5 के अंदर क्या करा गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जिसे किया गया है दैट इज़ प्री मैंस्ट्रल डाइसफोरिक डिसऑर्डर, करेक्ट, माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, दैन डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है, एंड रोड रेज को इसमें न्यूली इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। न्यूली डिसऑर्डर को इंट्रोड्यूस के बारे में बात हो रही थी तो नहीं किया गया है। रोड रेज बिहेवियर डिसऑर्डर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे नहीं किया सही, क्योंकि रोड रेज बिहेवियर डिसऑर्डर इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन DSM-5, ठीक है। सो इसको हम लोग न्यूली नहीं कह सकते हैं क्योंकि रोड रेज बिहेवियर पहले से उसके अंदर डिसऑर्डर में इंक्लूडेड है DSM-5 में। तो अभी जो हम लोगों ने न्यू जो हम लोगों ने देखे हैं न्यू डिसऑर्डर्स जो इंट्रोड्यूस हुए हैं वो है प्री मैंस्ट्रुअल डिसफोरिक डिसऑर्डर, माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर एंड सी में डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। सो ए बी सी आर करेक्ट एंड डी इज इनकरेक्ट। व्हाई डी इज इनकरेक्ट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इन सिलेक्शन प्रोसेस गुइलफोर्ड जिमरमैन टेस्ट एसेसेस, ठीक है। सो गुइलमन की गुइलफोर्ड की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ टेम्परामेंटल अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ टेम्परामेंटल अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये गुइलफोर्ड जिमरमैन टेस्ट एसेसेस हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ टेम्परामेंटल अडेप्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, मैकेनिस्टिक बिहेवियर एनालिसिस आर कैरेक्टराइज्ड एज, ठीक है। तो मैकेनिस्टिक बिहेवियर एनालिसिस अगर हम करते हैं, ओके, सो दैट इज डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय एस आर बॉन्ड्स हैबिट्स, दिस वन करेक्ट, एंड बिहेवियर डायरेक्टेड टूवर्ड द गोल परसिस्ट्स टिल द अचीवमेंट ऑफ द गोल, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज मैकेनिस्टिक बिहेवियर एनालिसिस के कैरेक्टरिस्ट हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा आपका पी बी एंड सी, बी एंड सी करेक्ट एंड ए एंड डी इज इनकरेक्ट। देखिए फिर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, देखिए गुइलफोर्ड से फिर अगेन द क्वेश्चन आस्किंग गुइलफोर्ड। गुइलफोर्ड 1981 इन इज मॉडिफाइड SOI मॉडल मेंशन हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज रिपोर्टिंग दैट देयर आर 150 फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर, 85 सेकेंड ऑर्डर फैक्टर एंड दैट इज 16 थर्ड ऑर्डर फैक्टर। सो 150, 85 एंड 16, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ओवर हियर।
नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 93. रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट. देखिए एजम्पशन एंड रीजन आ गया फिर से. सो एजम्पशन, चिल्ड्रन हैव रिमार्केबल एबिलिटी टू क्रिएट मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. ओके, इट्स करेक्ट. यस, इट्स करेक्ट. देन रीजन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर द वेज ऑफ मैनिपुलेटिंग द आइडियाज. इट्स करेक्ट, बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Both the statement is correct. It's independently correct statement actually. So both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. ठीक है, code 2 correct हो जाएगा. Question number 94, assertion and reason again. Assertion, forgetting of everyday events in young people is not an indication of poor memory. Okay, it's true. Then ineffective encoding due to failure to attend to an event while it is happening results in failure to remember. Okay, it's correct. Both the statement again independently correct. ठीक है, both independently correct क्यों है? क्योंकि forgetting of everyday event, अगर हम भूल जाते हैं young people के अंदर, हम देखते हैं कि वो लोग भूल जाते हैं, तो that is not a poor memory. ये poor memory का indication नहीं है, तो इसलिए assertion यानी कि जो assertion दिया हुआ है वो correct है. Then reason की अगर बात करें इसके explanation की, तो वो बताया गया कि क्यों ऐसा होता है. ineffective encoding, ineffective तरीके से encode करा जाएगा due to failure to attend to an event while it happening results in failure to remember. अगर हमारी इनकोडिंग सही से नहीं होती है तो क्या होता है, हम उस चीज़ को भूल जाते हैं कि वो किस तरीके से हम उसे दोबारा से उसको रिमेंबर कर पाएँ. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की मेमोरी जो है वो पुअर है. ओके, सो इसके अंदर हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली करेक्ट, यानी कि सेकेंड वन ए एंड आर ट्रू, बट इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. देखिए फिर ये गलत दिया हुआ है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. ओके, सो दैट इज़ assertion, प्रीमैक प्रिंसिपल. ओके, प्रीमैक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्टिविटी कैन बी यूज टू रीइन्फोर्स लेस फ्रीक्वेंटली एक्टिविटी. देखिए पहले भी, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, ये भी देखिए, ये है आपका प्सीडो फॉरगेटिंग से रिलेटेड है. ठीक है, इसके अंदर भी हम बात कर रहे हैं इसकी फॉरगेटिंग की, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी यहाँ पे भी देखिए आपका फिर से प्रीमैक प्रिंसिपल आ गया, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन अ फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्टिविटी कैन बी यूज टू रीइन्फोर्स लेस फ्रीक्वेंटली एक्टिविटी. और रीज़न इसके क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डिफरेंशियल हाइपोथेसिस एक्सट्रैक्टेड एसेस टू अ रिस्पॉन्स मेक्स दैट रिस्पॉन्स रीइन्फोर्सिंग एंड एक्सेसिव एसेस टू दैट रिस्पॉन्स मेक्स दैट रिस्पॉन्स पनिशिंग. ओके, सो 95th के अंदर आपका assertion जो हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा एंड रीज़न फॉल्स हो जाएगा. ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा. सो कोड हो जाएगा आपका थर्ड वन. ठीक है, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 96 to 100. देखिए यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ में आप स्टार्टिंग और एंड वाला पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसे करेक्ट कर पाएंगे. एन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू डेवलप एन अचीवमेंट टेस्ट इन फिजिक्स ऑफ फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स. ठीक है, आफ्टर गोइंग थ्रू द यूजुअल टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ही रिटेन 100 आइटम, ईच आइटम हैविंग 5 ऑल्टरनेटिव्स, वन ऑफ बींग करेक्ट. The psychologist wanted to examine the factors structure of the resulting achievement test using a sample of 1000 subjects. The psychologist obtained the inter-item correlation. He obtained the initial estimates of commonality and then decided to factor analyze the inter-item correlation matrix by following common factor model. He extracted the unrotated factors and retained the first 9 factors for rotation. The 9 unrotated factors explained 67.5% of variance. Okay, after factor rotation, all the inter-factor correlation were found to be zero. The factor structure of the achievement test of physics was found to be interpretable. Okay, so this is the passage. अब इसे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 को. The inter-item correlation would be, तो अब inter-item जो है वो क्या है आपका, point by serial correlation. क्या है, point by serial correlation. ये आपका अगेन गलत दिया हुआ है इसमें. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 97. देखिए पॉइंट बाई सीरियल कोरिलेशन क्यों, इट इज़ ऑल्सो परमिसेबल टू एंटर अ कैटेगरिकल वेरिएबल इन द पर्सन्स. ठीक है, तो इसके लिए आपका जो है ये पॉइंट बाई सीरियल करेक्ट हो गया. ठीक है, सो नाउ मूव टू द
97, assertion and reason. For the factor analysis of item scores, common factor model is quite often more suitable. ठीक है, तो ये तो assertion तो आपका correct है. ठीक है, item scores are quite often less reliable than psychometrical measured trait variable. ठीक है, psychometrical अभी पहले भी हम लोगों ने किया था, बट ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसने दिया है लेस रिलायबल, वहाँ भी लेस रिलायबल दिया गया था, तो रीज़न रॉन्ग हो गया, एजर्शन राइट हो गया. देखिए, एक ही क्वेश्चन पेपर को अगर आप ध्यान से करते हैं तो आपको कई सारे आंसर्स तो यहीं से मिल जाएंगे. तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये फिर अगेन गलत दिया हुआ है यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फैक्टर एक्सट्रैक्शन द साइकोलॉजिस्ट वुड नॉट यूज इन द प्रेजेंट स्टडी. ठीक है, इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ फैक्टर एक्सट्रैक्शन द साइकोलॉजिस्ट वुड नॉट यूज इन द प्रेजेंट स्टडी. तो इसमें क्या नहीं यूज़ कर रहा है, देखिए वो देख लेते हैं. इसमें जगह आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मेथड. ठीक, क्योंकि इसने बोला था हमसे क्या, वुड नॉट. प्रिंसिपल एक्सेस मैथड सही है, यूज़ होता है. साइकोमेट्रिक अल्फा फैक्टर एनालिसिस यूज़ होता है. मैक्सिमम लाइकलीहुड मैथड यूज़ होता है, बट ये यूज़ नहीं होता है. पूछा क्या गया है वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. नॉट यूज़ प्रेजेंट स्टडी. तो अगर हम बात करें मेथड ऑफ फैक्टर एक्सट्रैक्शन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस मेथड साइकोमेट्रिक ही सही हो जाएगा, मैक्सिमम लाइकलीहुड. बट गलत पूछा था तो हम लोगों ने ये वाला ले लिया. ओके, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 99, विच मेथड्स ऑफ रोटेशन हैज हैड मोस्ट प्रोबेबली बीन यूज्ड इन द प्रेजेंट स्टडी. ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका क्वार्टीमैक्स एंड वेरीमैक्स, क्वार्टीमैक्स एंड वेरीमैक्स. तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, सी एंड डी. ओके, नाउ मूव टू द लास्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 100. सो द सेकेंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस ऑफ द 9 रोटेटेड फैक्टर्स इज नॉट रिकमेंडेड इन द प्रेजेंट स्टडी बिकॉज देर आर ओनली 9 फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स, द इंटर फैक्टर कोरिलेशन आर 0, द फैक्टर ऑप्शन बाय द कॉमन फैक्टर मॉडल आर नॉट सब्जेक्ट टू सेकेंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस, अनरोटेटिव फैक्टर्स आर मोर सुटेबल फॉर सेकेंड ऑर्डर फैक्टर एनालिसिस. तो ये हो जाएगा आपका द इंटर फैक्टर कोरिलेशन आर 0. ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके 2018 जुलाई नेट साइकोलॉजी, ओके, प्रीवियस ईयर सेट जो कि हमने सॉल्व कर लिया है. इट विल गिव यू अ मोर आइडिया अबाउट इट कि आपको कैसे करना है. और फ्रेंड्स, ये एक आप की ऑफ सक्सेस समझ सकते हैं. देखिए, मेरा कोई मोटो नहीं है कि आपको, मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये चीज़ें वर्क करती हैं और यूजुअली मैंने भी किया है. इसके थ्रू आपका बहुत अच्छे से पेपर क्लिक होता है. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते हैं तो नो डाउट आप लोगों को इसके बेनिफिट मिलेंगे, बिकॉज ये इसी एग्जाम्स में नहीं, हर एग्ज़ाम में काम करती है. और हम लोग बहुत जल्दी ही इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे. तो मैं कोशिश करूँगी कि ये 10 ईयर्स के हम लोग सॉल्व कर लें, है ना. और अगर आप बोलते हैं तो मैं पेपर 1 को भी लेके आऊँगी, लेकिन आपको मैसेज करना पड़ेगा. ठीक है, तो एटलीस्ट अगर 50 मैसेजेस भी आते हैं मेरे पास में पेपर 1 के लिए, तो पेपर 1 भी स्टार्ट करूँगी. साइकोलॉजी के तो हम कर ही रहे हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और डू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोग देख रहे हैं. और उसके बाद बेल को भी आप लोग प्रेस जरूर करें, क्योंकि आपको करेक्ट टाइम पे आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे. मोस्ट प्रोबेबली ये नाइट में डाउनलोड हो पाया करेगा, क्योंकि मुझे नाइट में इतना टाइम मिलेगा. ठीक है, तो आपको ये ट्रिक से बहुत हेल्प मिलेगी, मुझे भी मिली है. और श्योरली आप इसे लिखिएगा आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा. ओके, सो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. अगर कोई सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. आप वीडियो के नीचे इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मैसेज मिल जाएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं. उसके लिए आप यूट्यूब पे साइन इन होना ज़रूरी है. अगर आप यूट्यूब पे अपनी आईडी से देख रहे हैं तभी आप मुझे मैसेज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे. कई लोगों की क्वेरीज रहती हैं. ओके, तो आपको कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं रिलेटेड विद नेट एग्जामिनेशन और UPSC और UPPSC, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. हम और भी बहुत सारी वीडियोज़ लेके आएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिले, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता है. तो आई होप कि इससे आप लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी. थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन.